नमस्कार, मैं प्रिय रंजन और आज के इस एपिसोड में हम डिस्कस करने वाले हैं अडानी पावर स्टॉक के बारे में। अडानी पावर के स्टॉक में हमने क्या कहा कि 284 और 300 के बीच में एक बाइंग जोन आएगा और यहां से एक रिवर्सल दिख सकता है। और यहां देखेंगे 290 के आसपास के स्टॉक ने लो बनाए और उसके बाद जो क्लोजिंग रही है नियर अराउंड 5% की तेजी में रही है। जितने भी हमारे व्यूअर्स हैं जो हमको रेगुलरली फॉलो करते हैं उनको पता है कि हमारी क्या एक्यूरेसी है। तो प्रीमियम टेलीग्राम जो कि बिल्कुल फ्री हमने आपके लिए कर दिया है, उसको ज्वाइन करना चाहते हैं तो जरूर ज्वाइन करें। उसके पिन मैसेज को चेकआउट करें। अगर आप हमारे मास्टर क्लास को ज्वाइन करना चाहते हैं, वीडियो पसंद आए दोस्तों में शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे। इस समय इस स्टॉक को लेकर के इंडिविजुअली कुछ न्यूज़ तो नहीं है, हालांकि इस स्टॉक के जो क्वार्टरली नंबर्स हैं वो आपको 2 नवंबर को देखने को मिलेंगे। और इस क्वार्टरली नंबर से पहले इस प्रकार की तेजी इस बात का संकेत है कि स्टॉक के ट्रेंड काफी स्ट्रांग दिखेंगे। एक बार मैं आपको इस स्टॉक के प्रमोटरशिप को दिखाऊं तो यहां आप देखेंगे तो आप पाएंगे कि प्रमोटर की होल्डिंग 70% है और जो एफआई है उसकी होल्डिंग 17% है। और नियर अराउंड देखेंगे तो 88% की होल्डिंग जो है वो एफआई और प्रमोटर के आसपास है और 12% होल्डिंग ही पब्लिक और म्यूचुअल फंड मिला करके ऑन कर रही है। और मुझे लगता है कि इस समय हमने देखा कि एफआई की भी होल्डिंग बढ़ी और प्रमोटर ने भी होल्डिंग बढ़ाए। एक बार मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ देखेंगे गौतम भाई, शांतिलाल अडानी, राजेश भाई, शांतिलाल अडानी जो इनके फैमिली मेंबर और ट्रस्ट है उनका 40% के आसपास, 37% और फ्लोरिस ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट जो कि इनके प्रमोटर हैं उन्होंने अभी अभी होल्डिंग्स भराए हैं। इमर्जिंग मार्केट इन्वेस्टमेंट जो कि प्रमोटर है, फोर्टिट्यूड ट्रेड वो भी प्रमोटर है, इन सभी लोगों ने अभी अपने होल्डिंग्स बढ़ाए हैं। एफआई के तरफ से जीक्यूजी और गोल्डमैन की होल्डिंग हमने देखा नियर अराउंड 4% के आसपास की होल्डिंग है। और इसके अलावे अगर देखेंगे तो डीआईज की होल्डिंग नेग्लिजिबल है। पब्लिक नॉन इंस्टीट्यूशनल जो है उसमें एचयूएफ क्लियरिंग मेंबर ट्रस्ट के होल्डिंग्स नेग्लिजिबल हैं। ओपल इन्वेस्टमेंट प्राइवेट लिमिटेड 5% के आसपास के होल्डिंग्स को ऑन करती है। तो महज 12% होल्डिंग ही जो है वो पब्लिक के पास है, बाकी सारा होल्डिंग कौन ऑन करती है? एफआई प्लस प्रमोटर। न्यूज तो कुछ इंडिविजुअल रहे नहीं है लेकिन इस स्टॉक में जो टेक्निकल ट्रेंड रहा है वो आज बड़ी रिवर्सल दिखी है। और यहाँ देखेंगे अपने सेक्टर के कंपेरेटिवली इस समय स्टॉक स्ट्रांग हो चुका है और इस गिरावट में इस प्रकार के रिवर्सल इस बात का संकेत देता है कि आगे ये काफी बड़ा ट्रेंड कर... यहाँ देखेंगे तो हमने क्या कहा आपको, कंटिन्यूस क्या कहा कि लास्ट टाइम जो इस स्टॉक के ट्रेंड रहे थे वो लगभग स्टॉक ने जो ट्रेंड दिए थे वो दिए थे नियर अराउंड 200% के। और यहाँ से एक वन साइडेड गिरावट दिखी, ये कंसोलिडेट जोन से ब्रेकआउट दिखा और इस समय ये जो जोन है ये एक डिमांड जोन बनने वाला है। और वो डिमांड जोन क्या है? 284 से लेकर के 300 के बीच में। और यहाँ देखेंगे तो पाएंगे कि इसी जोन से एक रिवर्सल दिखा और इसके ऊपर की क्लोजिंग अगेन स्टॉक को 410, 480 और 600 तक के लेवल्स दिखाएंगे। और जब भी बाइंग करेंगे इस स्टॉक को थोड़ा जो है 300 से 284 के बीच का लेवल लेंगे और दूसरा मैक्सिमम डाउन ट्रेंड 236 और 284 से 300, ये दो जोन है जहां स्टॉक को इजीली बाइंग किया जा सकता है फॉर टारगेट ऑफ 600 प्लस।